तो गाइस आजकल है ना काफ़ी सारे लोग माइनक्राफ्ट में हीरो ब्राइन को स्पॉन कर रहे हैं, और जहाँ तक कि मैंने देखा है वो बंदा ना बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इनफैक्ट मुझे ये भी नहीं पता कि हीरो ब्राइन एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं, और अगर वो करता है तो क्या हम उसे मार सकते हैं। तो आज हम हीरो ब्राइन को स्पॉन करने जा रहे हैं, और गाइज मैं उससे फाइट भी करने वाला हूँ। तो वीडियो चालू होने से पहले तुम लोग सब्सक्राइब कर दो, और अगर तुम लोग ने नहीं किया ना तो भाई हीरो ब्राइन तुम्हारी वर्ल्ड में आ जाएगा और मुझे मत बोलना फिर। तो गाइज यही वो चेस्ट है जिसमें हीरो ब्राइन को स्पॉन करने का सामान रखा हुआ है। अब मुझे तो नहीं पता इसमें क्या हो सकता है, तो देखते इसमें क्या है। ओके तो गाइज इसमें एक बुक पड़ी हुई है, मुझे तो लगा था कि हमें कुछ ऐसी चीज़ मिलेगी और हम हीरो ब्राइन को डायरेक्टली स्पॉन कर सकते हैं, और गाइज इसका नाम है स्पॉन हीरो ब्राइन। तो मुझे लगता है ना हमें इसमें ना तरीका लिखा हुआ है कि हम हीरो ब्राइन को कैसे स्पॉन कर सकते हैं। ओ गाइज इसमें लिखा हुआ है 796265, यहाँ पर कुछ नंबर लिखे हुए हैं, बट मुझे ये नहीं पता ये दो पेजेस पे अलग अलग पेजेस पे क्यों लिखे हुए हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई सीक्रेट जगह का कोड हो। अभी मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा कि इन नंबर्स का मतलब क्या हो सकता है। A few minutes later. तो अभी मैंने अपने कोऑर्डिनेट्स को ऑन कर लिया है, और मैंने एक चीज़ को नोटिस किया है कि जो बुक के दोनों पेज में नंबर्स लिखे हैं ना उसको गाइस कंपेयर करो हमारे कोऑर्डिनेट्स एक्स और जेड से, क्या आपको कुछ सिमिलर नहीं दिख रहा। मुझे तो लगता है कि ये कोई जगह के कोऑर्डिनेट्स के बारे में बता रहा है, बट यहाँ पर वाई वाला कोऑर्डिनेट नहीं दिया है तो मैं श्योर नहीं हूँ कि ये कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। तो आगे जाके देखते हैं हमें कोई क्लू मिलता है या फिर नहीं मिल पाता है। तो अभी गाइस जो कोऑर्डिनेट्स थे उसके पास मैं आ चुका हूँ, बट यहाँ पे कोई क्लू नहीं है गाइस। मुझे लगा था मतलब कुछ क्लू होगा या कोई चेस्ट होगी, बट यहाँ पर तो कुछ ही नहीं है। एक मिनट मैं गलत तो नहीं आ गया गाइस, मैं सेम कोऑर्डिनेट्स पर ही आया हूँ। गाइस मैं नीचे खुद कर देखता हूँ, ऐसा भी हो सकता है कि मैं कोई क्लू मिल जाए नीचे। गाइस मैं थोड़ा सा नीचे आ चुका हूँ, बट फिलहाल तो मुझे कुछ क्लू नहीं मिला है। मुझे लगा यहाँ पे कोई चेस्ट रहेगा, अगर उस बुक में वाई कोऑर्डिनेट लिखा होता ना तो ये हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता। गाइस अगर नीचे नहीं है तो ऊपर भी हो सकता है। एक मिनट मैंने ऊपर का चेक नहीं किया, इधर चेक। ओ भाई इधर तो चेस्ट है भाई, मैंने ऊपर का क्यों चेक नहीं किया था पहले। तो देखते हैं इसमें क्या है। ओके तो गाइस मुझे लगता है कोई चीज़ की रेसिपी है, मैंने उसे एज इट इज ले लिया हूँ। तो अगर हमें हीरो ब्राइन को स्पॉन करना है तो हमें सबसे एक मेन चीज़ बनानी होगी। तो गाइस ये वाली चीज़ है आप में से बहुत लोग को पता होगी कि यहाँ पे हमें मॉसी कोबल स्टोन लगाना है, उसके बाद हमें गोल्ड ब्लॉक को लगाना है उसके आजू बाजू में 3x3, उसके बाद हमें उसके ऊपर नेदर रैक रखना है, उसके बाद हमें फ्लिंट एंड स्टील मार देना है नेदर रैक के ऊपर। तो अभी मैं सर्वाइवल में आ चुका हूँ, और मुझे देखना है कि हमारे पास जो सामान है उससे हम कुछ बना सकते हैं या फिर नहीं बना पाते हैं। तो इसमें सबसे पहले मुझे नेदर स्टार रखना है बीच में, उसके आजू बाजू में हमें सोल सैंड रखनी होगी, और उसके बाद कोने कोने में हमें रॉटन फ्लैश रखना होगा, और देखते हैं हमें मिलता क्या है। ओके तो गाइस मुझे मिला एक प्लेयर हेड, पर मुझे तो लगता है प्लेयर हेड हीरो ब्राइन का कुछ रिलेटेड चीज़ होगी। ओके तो ये हीरो ब्राइन कर्स एक्टिवेटर है भाई, मैं ले लेता हूँ, मुझे तो फिलहाल कुछ पता नहीं है। तो गाइस अभी ना मुझे इस हेड को फायर में डालना है, और अगर लाइटनिंग गिरी मतलब हीरो ब्राइन इज रियल। ओ भाई हीरो ब्राइन आ गया। गाइस ये तो प्रूव हो चुका है कि हीरो ब्राइन इज रियल। एक मिनट भाई ये क्या है, अरे सारे पत्ते चले गई। एक मिनट गाइस ये क्या हो गया भाई। गाइस आपके सामने इतनी सारी पत्तियां थी बट वो अचानक से गायब हो गई। ओ भाई अभी गाइस मुझे लगता है ना कि इसको है ना हीरो ब्राइन का कर्स कहते हैं। तो गाइस कुछ टाइम पहले ये पूरा जंगल भरा हुआ था, पर अभी ये पूरा जंगल साफ हो चुका है। और गाइस देखो यहाँ पे डर्ट के छोटे छोटे पिरामिड भी बन चुके हैं, और ये देखो रेडस्टोन टॉर्च, और रेडस्टोन का टॉर्च का मतलब होता है हीरो ब्राइन की निशानी। और भाई ये क्या खड्डा है, अरे भाई हीरो ब्राइन आ गया। अरे भाई भागो यहाँ से भागो, अरे इसने मेरे को कोई अजीब से इफेक्ट दे दिया है, अरे मेरे को चक्कर आ रहे है भाई, मैं आगे भाग रहा हूँ सिर्फ, और इसने मेरे को पीछे टेलीपोर्ट कर दिया। अरे वो ये तो टेलीपोर्ट हो रहा है, मेरे को भागना पड़ेगा। नहीं यार हीरो ब्राइन से गाइस छुटकारा पाना बहुत हार्ड काम होता है यार। एक मिनट चले गया है, एक काम करता हूँ मैं जल्दी जाके पेड़ के नीचे छुप जाता हूँ, शायद वो मुझे ना ढूंढ पाए। A few moments later.
तो गाइस अभी रात हो चुकी है और मुझे हीरो ब्रायन इतना सा भी नहीं दिख रहा। और भाई टीएनटी कहाँ से आ गया? गाइस हीरो ब्रायन है ना इस वर्ल्ड को खुद के हिसाब से कंट्रोल कर रहा है, मतलब कहाँ पे भी टीएनटी मार दे रहा है, कहाँ पे भी रेडस्टोन डाल रहा है टॉर्च, उसके बाद कहाँ पे भी पिरामिड खड़े कर दे रहा है। भाई मेरे को बहुत डर लग रहा है यार, हीरो ब्रायन कहाँ पे हो सकता है? भाई देखो ये अपने खुद के पिरामिड यहाँ पे बना रहा है। अरे भाई मेरे बाजू में ही है, भाग। अरे यार मैं पानी में गिर गया। नहीं नहीं नहीं, अरे यार इसने मेरे को पानी में मार दिया। गाइज मुझे लगा था कि मैं हीरो ब्रायन को स्पॉन करके जल्दी मार दूंगा, बट यार इसको मारना तो बहुत ज़्यादा हार्ड है। अरे कहाँ गया ये हीरो ब्रायन? गाइज ये आ रहा है फिर जा रहा है। अरे भाई मेरे पास टेलीपोर्ट हो गया, अचानक से चले भी गए। गाइज भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, अभी मेरे सामने आके मेरे को मार देगा यार। अरे भाई मेरे सामने आ गया, नहीं भाई इसको मार ही नहीं सकते यार, मर गया। गाइस उसने सिर्फ है ना मेरे को दो हिट में मार दिया, और वो भी पिकैक्स के, और मैंने उसको खाली एक ही हिट मारा। तो गाइस हीरो ब्रायन से दो तीन बार मरने के बाद मैंने क्रिएटिव कर दिया और मैंने अभी डेक कर दिया। ये देखो भाई मेरे बाजू में हीरो ब्रायन खड़ा हुआ है। अरे भाई मैं क्रिएटिव में हूँ यार, तो मेरा कुछ नहीं। अरे भाई इसने मेरे को सर्वाइवल में कर दिया। भाई भागो यहाँ से। उसके बाद हीरो ब्रायन मुझे मारता गया। फिर मैंने सोचा कि मैं क्रिएटिव में से फटाफट जाके सारा आर्मर ले लूँ और स्वॉर्ड ले लूँ, फिर मैं उससे फाइट करूँ। तो अभी मैं रेडी हो चुका हूँ और ये वाली फाइट एकदम फेयर होने वाली है। कोई कुछ नहीं बोलेगा कि तूने 64 इंचेंटेड एप्पल लिए। मुझे पता है भाई थोड़े से ज़्यादा, बट यार हमारा अपोनेंट तो हीरो ब्रायन है ना। तो गाइज देखो हीरो ब्रायन मुझे देखकर डर गया यार, मेरी नेदरराइट की शॉट से डर चुका है। अरे यार क्या डरपोक हीरो ब्रायन है रे, मुझे लगा कि फाइट करने आ गया। अरे भाई इसने पीछे से टीएनटी मारा, मुझे लगा ये वर्ल्ड में नहीं है, बट है ये वर्ल्ड में है। इसको मुझे लगता है हमसे फाइट करना है। देखो भाई मैं अभी तेरे से बिल्कुल भी नहीं डरता यार, ये तो मेरी बेइज्जती कर रहा है। इसके बोलने का मतलब है कि मुझे स्टोन शवल से इजीली मार सकता है। तूने मुझे अंडर एस्टिमेट कर बहुत गलत काम किया है हीरो ब्रायन। भाई मैंने तो जरा भी चीटिंग नहीं किया यार, मैंने तो खाली रात से दिन किया है, क्योंकि मुझे रात से बहुत डर लगता है यार। गाइस अभी तक तो मेरे को हीरो ब्रायन मिला नहीं है, बट यार जो आवाज़ है ना बहुत गंदी वाली आ रही है। अरे पीछे से टीएनटी फट गया। अरे भाई ये कहाँ से भी टीएनटी आ जाते हैं। एक मिनट, हीरो ब्रायन आजू बाजू में है। ओ भाई हीरो ब्रायन ऐसे आ गया। ये बात अच्छी है गाइस कि मैंने अपना सब नेदरराइट का आर्मर पहन कर आया, और भाई मेरी हेल्थ बहुत कम है। अरे कहाँ गया? एक मिनट, टेलीपोर्ट हो गया लगता है वो। मेरे को देखना पड़ेगा कहाँ पे भाई हीरो ब्रायन। एक मिनट, ऐसा लगा मैं देखा उसको। अरे पीछे से गाइस अभी इसने डायमंड की स्वॉर्ड लेकर आई है, अभी लगता है ये हमें अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं। एक मिनट भाई इसने तो मेरे को अलग ही कुछ दे दिया। अरे यार ये कहाँ पे, थोड़ा टाइम में आता है फिर चले जाता है, कहाँ कर रहा है यार। एक मिनट, ओ भाई इसे फिर से स्टोन की शवल लेकर आया यार। अभी तो गाइस मेरे को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है, मारूंगा अभी इसको। अरे एक मिनट, हीरो ब्रायन कहाँ पे चले गया? भाई अजीब से इफेक्ट आ गए थे गाइस, हीरो ब्रायन कहाँ पे चले गया? गाइज जब थोड़े टाइम बाद जब मैंने चैट खोलकर देखा, वहाँ पर लिखा हुआ था द कर्स हैज़ लेफ्ट दिस वर्ल्ड। अब मुझे लगता है गाइस हीरो ब्रायन ने इस वर्ल्ड को छोड़ दिया, और वो जो गंदी गंदी आवाज़ आती थी उसका भी आना बंद हो चुका है। गाइज उधर तो लिखा था कि हीरो ब्रायन ने वर्ल्ड को लेफ्ट कर दिया, बट मुझे लगता है हीरो ब्रायन अभी अपना बदला लेने ज़रूर आएगा, और मुझे भी तैयार रहना पड़ेगा। I am still here.